नमस्ते एवरीबॉडी, लेट मी शेयर द स्टोरी विद यू। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। द स्टोरी गोज दैट एक जमाने में ऐसे ही भगवान इंद्र जो है उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है किसानों पे, और थोड़े नाराज हो जाते हैं किसानों से, और उस नाराजगी में वो किसानों को एक श्राप देते हैं कि अब आज से 12 साल तक इस धरती पे बारिश नहीं होगी। और ये सब सुन के किसान दे और इन शॉक कि ये ऐसे कैसे आपने शराब दिया, एंड हमारा क्या होगा, हम तो किसान हैं, हम तो सारा हमारी सारी रोजी रोटी, हमारा अस्तित्व जो है वो बारिश पे निर्भर है, और आप ये 12 साल का अगर आप एक लॉकडाउन दे रहे हो कि 12 साल तक बारिश नहीं आएगी, इट्स काइंड ऑफ अ लॉकडाउन, तो ये 12 साल के लॉकडाउन में हमारा क्या होगा। वो फिर प्रार्थना करते हैं, फिर विनती करते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं भगवान इंद्र की। तो भगवान इंद्र थोड़े से नरम होते हैं और बोलते हैं कि तुमने इतनी मेरी प्रार्थना करी एंड तुम्हारे इस भक्ति भाव को देख के मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं अपना जो है ये श्राप वापस नहीं ले सकता। तो ये श्राप तो रहेगा रहेगा, लेकिन इसमें हल्का सा अमेंडमेंट मैं ला सकता हूँ। अमेंडमेंट्स होते हैं ना, तो अमेंडमेंट्स लाता हूँ कि अमेंडमेंट ये रहेगा कि अगर भगवान शिव ने डमरू बजाया तो बारिश होगी, और अगर उन्होंने डमरू नहीं बजाया तो बारिश नहीं होगी 12 साल तक। तो किसान कहते हैं, जी ठीक है, अभी आपका लॉ है, आपका अमेंडमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो आप बोलेंगे वही होगा। तो वो लोग कुछ उम्मीद से कि शायद भगवान शिव जो है वो प्रसन्न होंगे और उनको अब उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, और अगर वो प्रसन्न होंगे तो फिर डमरू बजेगा तो बारिश होगी। ऐसा करके किसान कुछ उम्मीद से थोड़ी मायूसी कम होती है और अपने घर जाते हैं। अब भगवान इंद्र जो है थोड़े चतुर किस्म के भगवान है, तो चुपचाप जाते हैं पीछे से और भगवान शिव को बोलते हैं कि आप कुछ भी करिएगा, ये कितनी भी पूजा पाठ करें, कितना भी आपका भक्ति भाव करें, आपने डमरू नहीं बजाना है। और ऐसा उन्होंने भगवान शिव से वादा लिया कि आप ऐसा करेंगे। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है। तो ये लोग बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी मिन्नत करते हैं, भगवान शिव को बड़ा याद करते हैं सारे किसान, लेकिन भगवान शिव भी टस से मस नहीं होते और वो डमरू नहीं बजाते। तो बारिश नहीं हो रही है खेतों में, धरती में बारिश नहीं हो रही है, और ये एक मायूसी का माहौल चारों तरफ फैल गया। तो रोज किसान जो है जाते थे अपने खेत पे और थोड़ी देर बैठते थे खेत में, और फिर थोड़ी देर बाद अपने घर आते थे, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि अभी बारिश तो अगले 12 साल होने वाली नहीं है। तो ऐसा करके आदत से मजबूर थे बेचारे, जाते थे रोज और रोज फिर कुछ देर बैठ के वापस घर आते थे। फिर धीरे धीरे करके उनका थोड़ा जाना कम हो गया, बिकॉज विश्वास है कि अभी तो ये लॉकडाउन है 12 साल, तो ये लॉकडाउन तो चलते रहेगा, तो अभी खेत में जाके भी क्या करेंगे। तो धीरे धीरे उनकी आदतें खेत में जाने की कम होती गई और सारे किसान जो है घर में बैठने लग गए। लेकिन एक किसान था उस गांव में जो घर में नहीं बैठता था, वो हर दिन सुबह जैसे आम दिन होता है वैसे वो जाके खेत में जाके हल जोतता था, ही वो टिल द सॉइल, बीज बोता था, धूप में मेहनत करता था, पसीना बहाता था, और फिर वो शाम को वापस घर आता। तो ऐसे ही उसका सुबह निकलना, अपनी दो रोटी एक उसमें कपड़े में बांध के जाता था और मेहनत करके दिन भर धूप में काम करके शाम को वापस। तो गांव वालों ने उससे बात करी, उससे कहा भी तेरे को मालूम है कि बारिश होने वाली नहीं है, लॉकडाउन चालू है, तो तू क्यों रोज आता है, रोज क्यों मेहनत करता है, पागल है क्या। तो वो कहते नहीं मुझे जाना है, और वो किसी की बात नहीं सुनता था। तो धीरे धीरे लोगों ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। फिर ऐसे करके एक महीना निकला, दो महीने निकले, छह महीने निकले, साल भर निकला, और ऐसा करते करते वो रोज किसान जाता था, रोज मेहनत करके रात को आता था, और कहीं पर भी हरियाली नहीं, कहीं पर भी बीज जो उसने बोए हैं वो कहीं अंकुर फूट रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसमें। ऐसा करके 3 साल निकल जाते हैं। तो फाइनली फिर जो है गांव का सरपंच वो जाता है इस इंसान के पास खेत में और देखता है ये मेहनत कर रहा है, उसको बुलाता है, कहता भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा है कि बारिश अगले 9 साल तक नहीं आने वाली है, 3 साल तो निकल गए, 9 साल और बचे हैं, तो तू क्यों ये मारामारी कर रहा है, क्यों ये पागलपन दिखा रहा है, इनफैक्ट तेरे चक्कर में हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा है। कहीं बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये वो इस गांव के सरपंच है जहां वो पागल रहता है, जो खेत में अभी भी काम करता है जब मालूम है बारिश नहीं आने वाली है, तो तू क्यों अपना नाम हमारा नाम दोनों का नाम डूबो रहा है, तेरे को समझ में क्यों नहीं आता। तो वो किसान ऐसा सरपंच को देखता है, बोलता है भाई सरपंच जी बात तो आप सही कह रहे हैं, बात तो मुझे भी समझ में आती है कि अगले जो है 9 साल तक टोटल 12 साल तक बारिश नहीं आने वाली, ये तो मुझे भी मालूम है,
लेकिन मैं अपने आप को जो है ना, मैं रोज यहां खेत पे लाता हूं, रोज मैं यहां हल जोतता हूं, रोज मैं बीज बोता हूं, रोज मैं धूप में खड़ा होता हूं, मुझे मालूम है कि बारिश नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं यहां नहीं आऊंगा ना सरपंच जी, तो मेरी ये हल जोतने की जो आदत है ना, ये छूट जाएगी। अगर मैं यहां नहीं आऊंगा ना, तो फिर ये जो मैं बीज बो रहा हूं, ये बीज बोने की मेरी आदत या मेरी मेरी जो एक कला है, वो मैं भूल जाऊंगा। और फिर क्या होगा, 12 साल बाद जब बारिश आएगी, और वो बारिश आ गई और मुझे बीज बोना नहीं आया, मुझे मेहनत करना नहीं आया, मुझे धूप में खड़ा होना नहीं आया, मुझे ये पसीना बहाना नहीं आया, तो उस बारिश का भी क्या फायदा। इतनी अकल तो मुझे भी है सरपंच जी की बारिश नहीं आने वाली 9 साल। लेकिन उससे ज्यादा अकल ये भी है मेरे अंदर कि अगर 12 साल बाद बारिश आती है, तो फिर मेरे अंदर वो काबिलियत तो होनी चाहिए कि मैं बारिश का फायदा उठा पाऊं। तो सरपंच जी सर हिला के चले जाते हैं, कहते हैं इस मूर्ख से बात करना बेकार है। ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स कि पार्वती जी जो है वो भी ये बात सुन रही थी किसान की, और बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी प्रभावित होती हैं, बड़ी इंप्रेस हो जाती हैं कि यार ये किसान देखो क्या सोच लेके बैठा हुआ है। और वो जाती हैं शिव जी के पास और बोलती हैं शिव जी को कि शिव जी देखिए, ये किसान ऐसा ऐसा है, और इसने कहा कि वो ऐसी मेहनत करता रहेगा, 3 साल से वो कर रहा है मेहनत, और अगले 9 साल भी वो कहता है कि बारिश आए ना आए, मैं तो रोज खेत में जाऊंगा, रोज मेहनत करूंगा, रोज बीज बोऊंगा, रोज हल जोतूंगा, और क्योंकि मेरी आदत बरकरार रहनी चाहिए, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो शिव जी भी सुनते हैं, प्रसन्न होकर कहते हैं अच्छी कहानी है। फिर पार्वती जी जो है लास्ट में डायलॉग बोलती हैं, शिव जी प्रभु ऐसा तो नहीं कि कहीं आप 12 साल बाद आप भी डमरू बजाना कहीं भूल ना जाओ। तो जैसे ही वो शिव जी वो सुनते हैं डायलॉग पार्वती जी का, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता पार्वती कि हम अपना डमरू बजाना भूल जाएं, देखो हमें आता बजाना। और ऐसे करके वो टेस्ट करते हैं खुद को कि उनको आता कि नहीं आता, और डमरू बज जाता है। जैसे ही डमरू बजता है, पूरी पृथ्वी में बारिश आना चालू हो जाती है, बारिश होती है, धरती पानी सोखती है, किसान बाहर आते हैं, खुश होते हैं, हर्षो मतलब खुशी का एक माहौल होता है, लॉकडाउन पीरियड खत्म हो गया है, और सब लोग नाचते हैं गाते हैं और अपने अपने खेतों में जाते हैं मेहनत करने के लिए। तो उन सारे किसानों में से सबसे ज्यादा फायदा उस बारिश का होता है उस किसान का जो पिछले 3 साल से अपनी उस आदत को मेंटेन करे हुए था कि वो रोज जाता था, रोज हल जोतता था, रोज बीज बोता था, रोज पसीने बहाता था, रोज मेहनत करता था। तो सबसे ज्यादा फायदा उसी का हुआ जो तैयार था। तो ये कहानी, ये स्टोरी बड़ी दिलचस्प है और बड़े दिल को छूने वाली है। आई थिंक आई वुड हैव स्टिल दी हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो ये समय को अपने आप को बनाने में लगाइए, ये समय में समय को अपने आप को निढाल या अपने आप को कमजोर करने के लिए मत लगाइए, मेरा आपसे ऐसी रिक्वेस्ट रहेगी। तो ये मेहनत करने की प्रैक्टिस किसी रूप में आप करिए, डमरू तो बजेगा एक दिन, बारिश तो आएगी एक दिन, और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन उस बारिश का पूरा फायदा लेने के लिए हम तैयार रहें, ऐसा मेरा आपसे अपील है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्ते।